नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। सत्य को समझने के लिए गांधी पूरी उम्र अपने जीवन के साथ प्रयोग करते रहे। आज उनकी 150वीं जयंती के मौके पर उनके प्रयोगों को पलटकर देखा जा रहा है। उनकी मूर्तियों की ओर दौड़ लगाई जा रही है, लेकिन इस कोशिश में गांधी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। बीजेपी और संघ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रपिता को हथियाने की कोशिश की तो सोनिया गांधी बिफर पड़ी। जो गोडसे नाम के बर्बर, क्रूर और घृणित हत्यारे ने 30 जनवरी की शाम बापू के सीने में उतारा, और उमड़े अपार संसार के उन दृश्यों को इस दृश्य से मिलाकर देखिए। वैसे ही रास्ते हैं, वही है देश, लोग भी वही, वैसी ही चालें और वैसे ही चेहरे। लेकिन क्या बात है कि यह दृश्य आश्वस्ति पैदा नहीं करता, ये भरोसा नहीं दिला पाता कि हम एक हैं और सियासतों के खित्तों खानों में हमारी धड़कने शामिल हैं। प्रधानमंत्री राजघाट की ओर दौड़े, फिर साबरमती की तरफ। सोनिया गांधी शपथ के लिए दौड़ी, राहुल गांधी अलग दौड़े जा रहे थे, प्रियंका गांधी अलग, अमित शाह अलग। सवाल है कि इन सामूहिक दौड़ों में कहां है इस देश के सामूहिक स्वप्न, सामूहिक आकांक्षाएं, सामूहिक उदारताएं, सामूहिक प्रार्थनाएं। गांधी जी का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं। गांधी जी का नाम लेकर भारत को उन्हीं के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले पहले भी कम नहीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो साम दाम दंड दे का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। ये सवाल तो हम में से हर एक के सामने खड़ा है। ये किसी राजनीति, किसी सत्ता, किसी संगठन, किसी समूह या किसी संप्रदाय का प्रश्न तो नहीं कि गांधी की मूर्तियों की ओर दौड़ी जा रही भीड़ में गांधी की आत्मा की खोज कहाँ है। तो असत्य पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की सत्य सच्चाई थे, जिन्हें अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करना मंजूर है। वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी अहिंसा के उपासक थे, जिन्हें लोकतंत्र में भी सारी व्यक्ति, सारी शक्ति खुद की मुक्ति में रखने की प्यास है। वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी के स्वराज का क्या मतलब है। अपने 150वें साल में गांधी सत्ता की साधना का नाम बना दिए गए हैं। किसी को सत्ता में आना है तो किसी को सत्ता बचाना है, और इसलिए गांधी को हथियाना है। 150 साल गांधी के उसको मनाने का कार्यक्रम पूरे देश भर के लिए महत्वपूर्ण, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने गांधी 150 को न केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनाए रखने के कारण बजाय जन जन का कार्यक्रम बनाने का योजना विचार हम सब के सामने। क्या वाकई गांधी किसी सरकार के बचा लेने से बचे हुए हैं, या हमारे दिलों के घाट पर उनके विचारों की अखंड मूर्तियों में समाहित है गांधी। दिल और दिमाग के अंदर आपने ये महसूस किया है कि हमने गलती करी, हम गांधी को पहचान नहीं पाए थे आजादी के पहले, या हम लोग मुखबरी करते थे अंग्रेजों के साथ में, फ्रीडम फाइटर को फंसाते थे, हमने गलती कर दी, हमने आजादी जंग में भाग नहीं लिया, हमने गलती कर दी, देश से माफी मांगे पहले लोग, फिर महात्मा गांधी के नाम। लखनऊ में प्रियंका गांधी के साथ दिखना महात्मा गांधी के साथ दिखने की भावनाओं को निगल गया। सैकड़ों आयोजन, हजारों विचार, लाखों लोग और करोड़ों आस्थाओं की होड़ में राजघाट से साबरमती तक भागे जा रहे लोग क्या सचमुच बापू का विस्तार समझते हैं?
सवाल तो है कि मानवता के लिए जरूरी गांधी को सत्ता की मजबूरी पर समेट देने वाले लोग कौन है? आज तक ब्यूरो। गांधी ने उस भारत का सपना देखा था जिसमें जनता को अपने शासकों से सवाल पूछने का अधिकार हो। रॉलेट एक्ट के जरिए जब प्रेस पर पाबंदी लगाई गई तो गांधी ने आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन आजाद भारत के नेता सवालों से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पटना में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बाढ़ से बेहाल जनता पर हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी ने सवाल पूछा तो उनका क्रोध देखने लायक था। और अभी हथिया है, कल से शुरू हुआ है तो अभी ये कब खत्म होगा? पटना के हाहाकार को हथिया की पीठ पर लादने वाले परम प्रतापी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात से बहुत आहत थे कि लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं। सोचिए कि अपने डिप्टी सीएम 3 दिन तक सुशासन के तहखाने में उब चुभ करते रहे, लेकिन सवाल पूछने पर भावुक हो जाते हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि जरा सा बंबई में पानी आया तो उसके बारे में क्या विचार है? हम पूछ रहे हैं कि देश के कितने हिस्सों में पानी आया और दुनिया के कितने हिस्सों में पानी आया। सुशासन का लेवल समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के राजेंद्र नगर में पीने का पानी नहीं है? सवाल पूछो डोनाल्ड ट्रंप से। नीतीश कुमार के कंकड़बाग में सूखा चिवड़ा तक नहीं दे पाए और सवाल पूछो पुतिन से। नीतीश कुमार नाव में पेट्रोल नहीं डलवा पाए और सवाल पूछो महारानी एलिजाबेथ से। पटना के कुछ मोहल्ले में पानी आया, वही है समस्या। मुखिया में कहा है, अमेरिका में क्या हुआ? इसके बाद तो नीतीश कुमार सीधे बुद्ध की मुद्रा में आए। मोह माया से मुक्त, हे तात, जो पूछना हो पूछो, जो दिखाना हो दिखाओ, बस इतना ध्यान रहे कि हमारी निद्रा में खलल न पड़े। बरसात की रातों में नींद का मजा ही कुछ और। सर हल्का ही। मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुमति हो तो एक सवाल पूछ लें। सर आप पूछने नहीं दे रहे हैं। सीएम साहब कुपित थे, पता नहीं इंद्र पर या अपनी इंद्रियों पर, कि अच्छा भला राज भोग रहे थे, सवाल पूछने चले आए। बताइए, ऐसे सुशासनवादी मुख्यमंत्री की नींद के लिए जनता 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? नहीं मिला पानी तो क्या हुआ? नहीं मिला खाना तो क्या हुआ? आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जन जागरण के लिए भी कोई काम नहीं करिएगा, जन जागृति के लिए भी काम करना चाहिए, समझ गए ना? नहीं मिली मदद तो क्या हुआ? समझ गए सरकार, समझ गए, अच्छी तरह समझ गए। आपके सुशासन को भी, आपकी सरकार को भी, आपकी सियासत को भी और आपके संस्कार को। आज तक नीतीश तो केवल गुस्सा हुए, लेकिन आरएसएस के राकेश सिन्हा तो गांधी के प्रयोग को वहां तक ले गए जहां की कल्पना न खुद गांधी ने की थी, न नेहरू ने और न ही सरदार पटेल। बापू की हत्या के लिए पटेल ने जिस आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी उसकी उदारता की शान में राकेश सिन्हा यहां तक कह गए कि अगर आज गांधी जिंदा होते, मौजूद होते तो संघ के स्वयं सेवक होते। यदि गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते, स्वयंसेवक बनकर। गजब, आरएसएस कोटे वाले एमपी साहब तो त्रिकालदर्शी निकले। बड़े बड़े अघोरी पता नहीं धूनी रमाकर बैठे रहते होंगे नदी किनारे बरसों बरसों, लेकिन तब भी ऐसी दृष्टि हासिल नहीं हो पाती होगी। यदि गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते, स्वयंसेवक बनकर रहते। सोचिए भक्ति से क्या हासिल नहीं होता। जिस साल हेडगेवार पर पीएचडी वाले राकेश सिन्हा पैदा हुए थे तो नेहरू भी स्वर्गीय हो चुके थे, लेकिन सरजी ने संघ की ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, ऐसी साधना की कि 54 के होते होते समझ गए कि 71 साल पहले राष्ट्रवाद की ज्वाला में सुलगते हत्यारे ने गांधी को गोली न मारी होती तो वो संघी होते। यदि गांधी का वाद का सच्चा सारथी और वाहक है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। अब देखिए कि त्रिकालदर्शी राकेश सिन्हा 1948 में गोलियों से भून दिए गए गांधी के दिल को समझ गए। उम्मीद है कि नागपुर केस नंबर 176 भी उन्हें याद होगा। सुनिए क्या था वो केस। 26 जनवरी 2001 को संघ के नागपुर मुख्यालय पर 3 युवकों ने जबरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की।
तीनों लोग इस बात से नाराज थे कि संघ मुख्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी तिरंगा नहीं लहराया जाता। संघी तिरंगा लहराने की कोशिश से इतने खफा हुए कि तीनों पर FIR लिखवा दी। 1947 से लेकर 2002 तक 55 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। 11 साल बाद नागपुर की अदालत ने फैसला सुनाया कि संघ पर तिरंगा लहराकर युवकों ने गुनाह नहीं किया है। राकेश सिन्हा तो संघ पर PhD हैं, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बापू की हत्या के बाद जब संघ पर पटेल ने पाबंदी लगाई तो इसे हटाने के एवज में गोलवलकर के सामने ये भी शर्त रखी थी कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानना होगा। जिसने हत्या की देश की न्याय व्यवस्था ने उसे सजा दी, उसके पक्ष में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। सरासर झूठ बोल रहे थे राकेश सिन्हा, क्योंकि सुविधा की राजनीति बहुत कुछ भुला देती है। सच ये है कि बापू के हत्यारे गोडसे की एक पुजारन को भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर संसद भेजती है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। जिस गोडसे ने भारत को असमय अनाथ बना दिया, मानवता के उस अपराधी की वंदना के लिए वाकई ताकत चाहिए। राकेश सिन्हा की जमातें कभी नहीं समझेंगी कि गांधी को समझने के लिए सत्ता की नहीं नैतिकता की जरूरत होती है, और मूर्तियों पर माला चढ़ा देने के आडंबरों से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। आज तक ब्यूरो। गांधी के नाम पर जिस स्वच्छता की बात आज हो रही है, उसे गांधी किसी और दृष्टि से देखा करते थे। वो सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता की बात किया करते थे, सत्ता में स्वच्छता की बातें करते थे, और ऐसी स्वच्छता की बात करते थे जो आम जन के लिए उपयोगी हो। लेकिन स्वच्छता के अभियानों के बावजूद आज भी लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। यहां तक कि इंसाफ दिलाने वाले थानों में भी महिला शौचालयों की कमी है। क्या इस थाने में महिला शौचालय है? महिला नहीं है। किसी बेटी ने शादी के लिए शौचालय की शर्त रख दी तो कहीं शौचालय को इज्जत घर का दर्जा मिला। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया है। साबरमती के किनारे ढलती हुई शाम को जब प्रधानमंत्री भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का ऐलान कर रहे थे तो हर सुनने वाले के भीतर एक सौंदर्य बोध जाग उठा था। लेकिन क्या इसका आधार भी इतना ही ठोस है? क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 की सुबह भी इस देश के लाखों लोग खुले में शौच की जगह तलाश रहे, और सिर्फ दूर दराज के गाँव कस्बों में ही नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली में भी इलाका हजरत निजामुद्दीन। कोई पटरियों में नाइट में, जैसे नाइट में अंधेरा होता है जब जाती है नाइट में, अब दिन में तो जाने में दिक्कत है लेडीज़ को, वही है। बाकी जेंट्स लोग तो नाले में चले जाते हैं, कई ऑफिस जाते हैं वहाँ कर लेते हैं। सारा आम पब्लिक इधर है, यहाँ रेलो पटरी में जाएगा, नहीं होता यहाँ पर नाले में जाएगा। पब्लिक टॉयलेट है नहीं, एक बार आया था वो भी चला गया। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, क्योंकि जहाँ भी लेडीज़ बैठती जेंट्स लोग देखते नहीं है, चाहे मद्रासी हो या नॉर्थ के लोग हो, वो अपना अपना चलते रहते हैं, पर लेडीज़ के लिए तो है प्रॉब्लम ना। शौचालयों की क्रांति ने स्वच्छता का सलीखा बदला तो है, लेकिन ये बात क्या इतनी ही व्यापक है जितनी नजर आती है? दिल्ली से सटे नोएडा चलिए, चौराहों पर लाखों की लागत से बने बेहतरीन टॉयलेट नजर आते हैं, लेकिन पुलिस थानों में पहुंचते ही भेद खुल जाता है। कोई महिला टॉयलेट है यहाँ पर? नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।